और एक और सवाल है आपसे, कल जो हारिस एम एन ए हारिस साहब के ऊपर जो छोटे से बम का हादसा हुआ, उसकी आप कुछ जानकारी रखते हैं? नहीं, कल रात में मैं और अल्ताफ खान, जैसे हमारे को मालूम हुआ तो रात में 1:30 बजे तक हम लोग उधर ही थे। मैं हरीश भाई से भी मेरी बातचीत हुई, उधर एक लोकल हमारा वार्ड अध्यक्ष कुमार करके, क्या नाम उसका, मोहन मोहन करके, जो जी उधर का ब्लॉक अध्यक्ष बोलते हैं, वार्ड अध्यक्ष बोलते हैं, मोहन भी था उधर। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हरीश भाई के बोलने से और मोहन के बोलने की वजह से ये जानबूझ के हरीश भाई को टारगेट किया गया। अभी अच्छा वो प्रेस में भी हाल ही में देखे होंगे आप, हर प्रेस स्टेटमेंट में भी दिए हैं। ये एक फंक्शन था उनका, ये जन्मदिन का फंक्शन मनाया जा रहा था, वो फंक्शन में गए थे, ये स्टेज में नहीं जाके नीचे ही बैठे थे। वो जब भी पॉलिटिशियन आता है तो उसको क्या करते हैं, एक VIP चेयर का इंतजाम करते हैं। वो हारिस भाई VIP चेयर में नहीं बैठे, बाजू चेयर में बैठे थे। उनके बाद जो उनका जो ब्लॉक अध्यक्ष था मोहन करके, वो भी बैठा हुआ था। ऊपर से एक बॉल जैसा बोलते, वो जी बॉल जैसा आके ऊपर उसके हाथ में पड़ गया। वो उसके हाथ में पड़ के गया, वो हाथ में थोड़ा डैमेज हुआ उसका हाथ को। वो हाथ में पड़ने के बाद उसके सीधा पैर पे जाके शू पे पड़ा, शू पे शू लगा। पे पड़ के जमीन पे पड़ा। अगर डायरेक्ट आके जमीन पे पड़ता ना तो ब्लास्ट होता था। तो अल्लाह का करम है, हारिस भाई का जो 5 वक्त नमाज जो पढ़ते, जो गरीबा की किसकी एक दुआ शायद आ गई उनकी, एक अच्छी उनका अच्छापन जो है वो आड़ा आ गया लगता है। वो अल्लाह का बहुत करम हो गया, छोटे हादसे में हारिस भाई निकल गए, नहीं तो 100वीं सदी वो डायरेक्ट जमीन पे जाके गिरता। वो हैंड बम करके गाता है वो, जी और कोई भी बना सकते हो, घर पे बैठ के भी बना सकते बोलते हैं। वो जो अलफनाथ पिन आता है, वो पिन और पटाखे का बारूद, पटाखे का बारूद और चर्बी जो फैट आता है उसको लेके लपट के आप तागे से बन देंगे ना तो बॉम्ब हो जाता है वो। वो जानबूझ के, मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये जानबूझ के हारिस भाई को टारगेट करके ही किया लगता है। अभी वो तनिके चल रहा है, अभी BJP वाले। अच्छा, ये हादिसा हो गया मैंगलोर का, देखे तो मैंगलोर का एक तरफ है हादिसा, जी 2 दिन से आप पिक्चर देखे होंगे, हाँ मैंगलोर के अंदर जो है मुसलमान इलाका करके BJP इनडायरेक्ट बोलते ही आ रहे थे। वो नसीब अच्छी थी, वो आदित्य राव करके पकड़ा गया। वो अगर वो नहीं पकड़ा जाके कोई मुसलमान होता, और वही हादिसा जो हारिस भाई के ऊपर हुआ, ये कोई दूसरे हिंदू MLA के, BJP MLA के ऊपर होता तो आज कर्नाटका का क्या होता। तो आज ये हारिस भाई होने की, एक मुसलमान होने की वजह से, मुसलमान मुसलमान है कर हारिस भाई। अभी BJP का स्टेटमेंट क्या है, नहीं वो पटाखा है। अगर यही हादिसा दूसरे BJP MLA को होकर रहता तो वो लोग क्या करते हैं, पटाखे को भी बारूद बना देते। तो उसको बहुत हाइप कर दिया वही तो जाता बोल है रहा हूँ, पटाखे को भी बारूद बना देते और हैं। पूरी मीडिया उसके पीछे लग जाती है, बोल रहा चौबीस ना घंटा वही सर, चीज को मैं बोल रहा दिखाया ना, जाता अगर दूसरे हारिस भाई छोड़ के, अभी हारिस भाई का प्रैक्टिकली वो बॉम्ब ही था, है। वो टारगेट करके ही डाला गया। तो अभी उसको BJP वालों का, लीडरों का स्टेटमेंट क्या है, नहीं वो पटाखा था। अगर दूसरे BJP के MLA हिंदू भाई को कभी पटाखे से भी ऐसा होता तो बोलते तो बॉम्ब से होगा। अभी वो तनिके चल रहा तो है। इसको क्या लगता है कि आपको कुछ कांग्रेस के लीडरों को डराने की कोशिश की गई? 100वीं सदी ऐसी। अभी तो हाल ही के अंदर तनवीर सेठ का एक हादिसा हुआ, जी अभी मैसूर के अंदर हमारे तनवीर सेठ जो हमारे लीडर है उनके ऊपर वो बाल बाल बचे, वो थोड़े देर थोड़ा वो बोलते ना उनकी भी नहीं किया, उनके जो वालिद के जो कारनामे थे उस वजह से वो भी बचे। अगर उनको भी थोड़ा बहुत, वो बोलते हैं रग जो कटी उनकी है, और एक इतना सा अगर जाती तो बचना नामुमकिन था। अभी ये हारिस भाई का ले लो, हमको किधर तो एक जगह BJP में, इधर किधर तो मुसलमान को टारगेट कर रहे करके लग रहा है इसे। लेकिन जब ऐसा हादसा हुआ, जैसे आपने तनवीर साहब का नाम लिया, तो हमेशा लोगों को SDPI को डाल देते हैं, नहीं, SDP का इसमें कुछ नहीं है तो ना। ये दो तरह से टारगेट नहीं लग रहा है कि एक तरफ नहीं से नहीं मुसलमान लीडर जो कांग्रेस में उनको डराया जा रहा है, और उसके बाद साथ ही साथ SDPI को भी उसमें घेरने की कोशिश की जा रही है। नहीं क्या होता है, SDP करके एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जी एक इदारा है, जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी करके है, जैसे BJP पार्टी करके है, हमारे भी पार्टी वर्कर्स रहते हैं। अभी पार्टी वर्कर्स किधर भी दूसरी जगह जाके हल्ला कर देंगे, इनके पार्टी कर दिया, अरे जो क्या उसके ऊपर आप सजा लो ना, एक्शन लो ना, फांसी की सजा दो ना उनको। तो आज उनको बैन करने के चक्कर में ये हुकूमत, क्यों भाई उनको बैन करते हैं आप, इलीगल एक्टिविटीज उनका कोई कोई नहीं, मेरे पास तो नहीं है उनके पास, आपके पास प्रूफ है प्रूफ दो, इलीगल एक्टिविटीज नहीं, प्रोक स्पीच किधर नहीं दे रहे बोलो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किधर नहीं पार्टी का है, किधर है तो आप दो डायरेक्ट, आपका RSS का इन्वॉल्वमेंट है, आप ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, ओपन गन ट्रेनिंग कैंप दे रहे हैं आप, आपको बंद करना ही है तो RSS को बंद करो, बजरंग दल को बंद करो। तो ये एन ए हरीश साहब का जो हादसा हुआ है, कुछ खुलासा आएगा आपको लगता है? 100% 100वीं सदी उसका, जहाँ मैं आके अभी सिद्धरामैया साहब से भी बात किया, उसको हम लोग प्रेजरस कर रहे हैं सही तरीके से तनिखे होना, अगर इधर सही तरीके से तनिखे नहीं हुआ तो उसको CBI को देने का हम लोग प्रेजर करते हैं।